हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले समय में हमें हमारा पैसा डबल करके दे सकता है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो वीडियो शुरू करने से पहले, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और डेली बेसिस पे मैं इंट्राडे स्टॉक्स भी डालता रहता हूँ। तो अगर आप देखें लगातार हमारे ये फोर वीडियोज़ में ये थ्री वीडियोज़ में हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं कौन से हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट थी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हुए सीधे चार्ट पे। यहाँ पे जो है वो मैंने IDFC का स्टॉक सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जो है वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे इस सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जो कि 2016 का है, और ऑल टाइम हाई के पास बहुत ही बुलिश भी लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करे, क्योंकि 3 मंथ से रेगुलर ये गेनिंग में है और यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि बहुत सालों के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है। एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि जब इसने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद इसने एक अप ट्रेंड बनाया, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, लेकिन जब इसने अपना लोअर लो बनाया इस बार, तो ये लोअर लो पिछले लो से नीचे नहीं गया, तो ये एक अच्छा साइन है। और इसने जो अपना स्विंग हाई बनाया था उसको भी ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे आपको एक W पैटर्न जैसा भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक W पैटर्न वो भी मंथली चार्ट पे बन रहा है, और इस लेवल पे ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और सक्सेसफुल भी हो चुका है। ये था सेकंड रीज़न इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का। और थर्ड रीज़न ये है कि इसमें मैजिक पेयर कैंडल स्ट्रेटजी भी बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से ऑलरेडी ये 100% गेन तो ऑलरेडी दे ही चुका है। तो अगर आपने मेरी ये मैजिक पेयर कैंडल स्ट्रेटजी देखी हो, तो मैं इसको बहुत बारी अलग अलग स्टॉक्स आपको दिखाता रहता हूँ शॉर्ट्स के जरिए। यहाँ पे देखें आप ये शॉर्ट्स, या मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किया था ये, तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स में मैं ये स्ट्रेटजी डालता ही रहता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी बारी बनती है, डेली में भी बनती है, वीकली में भी बनती है और मंथली में भी बनती है। तो आप किसी में टाइम फ्रेम में इसको ले सकते हैं, मिनिमम टाइम फ्रेम मंडे रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो तीन रीज़न तो मेरे सिंपल यही हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसने 2017 के रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया हुआ है काफ़ी बार, तीन बारी में इसका ब्रेकआउट जो है वो आया है। तो बहुत ही हाई चांसेस हैं। अब इसको 100% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, जब भी W पैटर्न जो बनता है तो उसका जो हमारा टारगेट होता है वो यहाँ से होता है। तो अगर हम यहाँ से जो स्विंग हाई तक का टारगेट है वो लेके चलें इतना भी, तो ये 120 के अराउंड आता है, और इसको हम प्लॉट कर देंगे जहाँ से ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 भी नहीं आप लेके चलो, तो एटलीस्ट 100% का तो टारगेट हम लेके चल ही सकते हैं। तो 140-130 के अराउंड हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। और अगर हम आज के टाइम पे भी इसको बाय करें, अभी ये यहीं कहीं पे चल रहा है तो 79 के अराउंड, तो यहाँ से भी हमें 85% का जो है वो गेन सीधा सीधा जो है वो हमें दिख रहा है। तो मेरा ये है कि एनालिसिस के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अभी आपको कोई, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस है तो यहाँ से नीचे आ सकता है, तो अभी यहाँ पे आप 50% बाय कर सकते हो, और बाकी जब अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, ताकि अगर इसमें रैली अभी से आनी शुरू हो जाए तो ज़्यादा वो जो है चांसेस मिस ना हो। और फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसको डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे तो जो मेरी नॉलेज है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप प्लीज़ अपना ड्यू डिलीजेंस ज़रूर कीजिए, अपने एनालिसिस भी कीजिए, और फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने टेक्निकल एनालिसिस किए हैं और कितने रीजंस हैं इस स्टॉक को बाय करने के। अब तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब या लाइक कुछ कर कीजिए, और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें हम, और टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा अच्छे से समझे। तो गाइस, टिल देन, जब नेक्स्ट स्टॉक तक आने के लिए
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है बैक टेस्टिंग। तो आप जितना भी करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, आपको पैटर्न इजीली समझ में आने लगेंगे। तो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।